क्या बात है रघु, तुम परेशान से लग रहे हो। कहाँ कहाँ परेशान हूँ मैं, देखो ना कितना अच्छा दिन है, कितनी हरियाली है, आकाश में एक बादल, एक आवारा बादल टहल रहा है और सब कुछ नॉर्मल तो है, फिर परेशानी की क्या बात हो सकती है। कंचन, वो जो नीचे टेबल पे 100 रुपए का नोट रखा है वो क्या तुम्हारा है? 100 रुपए? हाँ 100 रुपए वहाँ टेबल पे रखा हुआ है, जल्दी से जाओ वरना ढक्कन। नहीं नहीं। हाँ हेलो हेलो, इज दिस रघु शुक्ला प्राइवेट लिमिटेड? क्या आवाज है। यस यस सर, आपने पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया था आपको अपनी कंपनी के लिए एक यंग खूबसूरत सेक्रेटरी चाहिए। यस 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 सर, आई एम अ ग्रेजुएट और मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस भी है। नहीं, उस सबको मारिए गोली, ये बताइए कि आपका रंग कैसा है। जी फेयर। फेयर, वेरी गुड। अब ये बताइए कि आपकी आंखें कैसी हैं। आंखें सर मेरी शार्प आंखें हैं, मुझे चश्मा नहीं है। अरे चश्मे को मारो गोली, मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी आंखें कैसी हैं, मतलब झील सी गहरी आंखें या फिर काजल सी कजरारी आंखें या फिर हिरनी से चंचल नैन, कैसी है आपकी आंखें? सर मेरी आंखें झील सी है और इन झील सी आंखों में डुबो कर मैं ऑलरेडी 3 लोगों का मर्डर कर चुकी हूँ। मर्डर? उन लोगों ने भी मुझसे ऐसे ही उल्टे पुल्टे सवाल किए थे, बस मेरा दिमाग जरा सा घुमा और मैंने उन लोगों का मर्डर कर दिया। आप कभी वही करूँ क्या? जी जी वो क्या क्या कह रही हैं आप? इडियट। यार ये आजकल की लड़कियों को पटाना और हाथी को स्ट्रॉ से जूस पिलाना एक बराबर है। खैर अपनी किस्मत में कोई के कंचन, वो रमणीक लाल का फोन था, अब पूछ रहे थे कि कितने किलो गेहूं भेजूं। कितने किलो भेजना? नहीं ये बहाना नहीं चला, नहीं तो हम क्या करें फिर अब? वैसे रघु नहीं कंचन, नहीं नहीं देखो कंचन, नहीं कंचन, ये आवाज किधर से आ रही है? भगवान करे ऐसी आवाजें रघु साहब के कमरे से आ रही हो। रघु शुक्ला प्राइवेट लिमिटेड, ये कौन सी कंपनी है आपकी जिसके बारे में ऐड दिया आपने? वो कह रहा कि मैंने सोचा कि ऐड देके पहले सेक्रेटरी ढूंढ लेता हूँ, है ना, उसके बाद मैं और सेक्रेटरी बैठ के सोचेंगे कि कौन सी कंपनी खोलनी है। अच्छी अच्छा लगा आइडिया। रघु तुमने हमको उल्टी समझ के रखा है। शर्म नाम की चीज बाकी है कि नहीं तुम्हें? दीदी ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कुछ कामकाज नहीं करते। एग्जैक्टली एक बार तुम काम पे लग जाओगे ना सारी मस्ती निकल जाएगी तुम्हारी। अरे यार लेडीज आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो, आजकल काम मिलना इतना आसान नहीं है, उसके लिए डिग्री विग्री लगती है। तो बचपन में पढ़ाई क्यों नहीं की आपने? देखो निकी वो क्या है ना, मैं बचपन में पढ़ना तो बहुत चाहता था लेकिन पता नहीं क्यों मैं जब भी स्कूल जाता था मुझे देखकर मेरा स्कूल टीचर बेहोश हो जाता था। वाह, इसे कहते हैं पूत के पास पालने में ही दिखना। एग्जैक्टली अब मुझे काम कौन देगा क्योंकि मेरे पास डिग्रीज तो है नहीं। ओके, यानी अगर आपके पास डिग्री आ जाए तो आप काम पर जाएंगे? या ओके जरूर। डिग्री पाने के लिए एग्जाम में बैठना पड़ेगा और आज तक मैं जितने एग्जाम्स में बैठा हूँ खाली शोले के डायलॉग्स लिखकर बाहर आया हूँ। जीजू आप जैसा सोच रहे वैसा कुछ भी नहीं होगा, मैं जिस डिग्री के बारे में बात कर रही हूँ उसके लिए आपको एग्जाम्स में बैठना जरूरी नहीं है। प्लीज कम इन। जीजू। अरे आओ निक्की तुम भी खेलो आओ। जीजू यही वो इंसान है जो आपको आपकी मनपसंद डिग्री दिला सकता है। मनपसंद निक्की अगर तुमको लग रहा है कि मैं इस आदमी से ट्यूशन क्लासेस लूंगा तो ये तुम्हारी गलती है क्योंकि मैं इस उम्र में एग्जाम्स में बैठने वाला नहीं हूँ। अरे लेकिन आपको एग्जाम के लिए बैठने के लिए बोल कौन रहा है? ओहो, आप लोगों को मालूम होना चाहिए रघु साहब जैसा इंसान खड़े होकर एग्जाम देता है। शट अप ढक्कन, एक मिनट। जीजू ना तो ये आपको एग्जाम्स में बैठने के लिए बोल रहे हैं ना ही ये आपको पढ़ाई करने के लिए बोल रहे हैं, ये तो बस आपको ऐसे ही डिग्री दिला देंगे। ऐसे ही डिग्री दिला देंगे मतलब क्या, इनका कोई प्राइवेट कॉलेज है क्या? नहीं जीजू ये मेरी फ्रेंड के फ्रेंड है और इनका जाली डिग्री दिलाने का
धीरे धीरे। क्या क्या क्या? इनका जाली डिग्री दिलाने का धंधा है। हाँ तो इसमें धीरे धीरे की क्या बात है, जाली डिग्री, जाली डिग्री। निकी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मुझ जैसे सच्चे ईमानदार और कानून के रास्ते पर चलने वाले इंसान को तुम जाली डिग्री दिलवाकर नौकरी दिलवाओगी? कभी नहीं। रघु साहब फिर से एक बार बोलो ना। ओके, मुझ जैसे सच्चे और फिर से क्यों बोलूं? वो गाय है ना, आपके मुंह से जोक सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जोक सुनने में अच्छा लगता है तुमको? रघु देखो, हम सब यहाँ जानते हैं कि तुम कितने शरीफ हो, इसलिए प्लीज ये डिग्री ले लो और कोई नौकरी के लिए अप्लाई कर दो। रघु साहब जहाँ जहाँ अप्लाई करिएगा ना, एड्रेस हमको दे दीजिएगा। क्यों? अरे भाई एड्रेस ढूंढने में कितनी तकलीफ होगी। ढक्कन तुम एड्रेसेस लेकर करोगे क्या? पुलिस को देना पड़ेगा ना। अच्छा पुलिस को देना पड़ेगा। वेरी गुड, बी ए विथ 70%। वो क्या है ना सर, 70% तो मुझे इसलिए मिले थे क्योंकि मैं एग्जाम के थोड़े पहले बीमार पड़ गया था, वरना 70% हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल का तो कहना था कि इस लड़के को देने के लिए परसेंटेज कम पड़ जाएंगे। देखो सबसे पहले मैं तुम्हें अपनी कंपनी के बारे में बता दूं। सर हमारी कंपनी का नाम हेलो हेलो सर्विस है, इसका मतलब जानते हो? जानता हूँ सर, आते ही जान गया था। अगर आपकी कंपनी में सर्विस करनी हो तो सिर्फ बोलना होता है हेलो, अरे भाई हेलो, और सर्विस मिल जाती है ना? नहीं, इसका मतलब यह है कि सिर्फ फोन घुमाइए, हम तुम्हारी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। ओ, तुम्हें इलेक्ट्रिक का बिल भरना हो, हम लाइन में खड़े हो जाते हैं। तुम्हें रेस्टोरेंट से खाना लाना हो, हम लेके आते हैं। तुम्हें बच्चे को स्कूल भेजना हो, हम भेज देते हैं। लड़की को पटाना हो, हम पटा देते हैं। शट अप। यहाँ तक कि कुत्ते को घुमाने ले जाना हो, हम ले जाते हैं। चलिए ना सर, हम दोनों भी घूमने चलते ना। शट अप। देखो सबसे पहले तुम्हें ये एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। जी मुझे पढ़ना नहीं आता, इस क्या लिखा है इसमें? और मेरा मतलब है कि लिखा क्या है, आप पढ़ने की क्या जरूरत है, आप बता दीजिए ना। इसमें लिखा है कि नौकरी छोड़ने के पहले तुम्हें हमें एक महीने का नोटिस देना पड़ेगा। दूसरी बात, तुम हमारे साथ कोई जालसाजी बेईमानी नहीं कर सकते। और अगर किया तो? कानूनी कार्रवाई, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। और उसके अलावा मेरे पास ये रिवॉल्वर है, मैं सीधा उनके हाथ में पकड़ा दूंगा। नहीं सर, ये सब करने की आपको कोई जरूरत नहीं है सर, आप ये दे दीजिए, मैं साइन करता हूँ। पेन 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 यहाँ है, अभी साइन करता हूँ सर, ये लीजिए। ओके सर, इस लड़के का फोटो आपके ऑफिस में? बेटा है मेरा, गलत राह पे चल रहा था, घर से निकाल दिया। तू तो गया बेटे, इसको कहते हैं कि इंपोर्टेड शैम्पू खरीदते ही गंजा हो जाना। हाँ हाँ ये सच है, तुम लोगों ने जानबूझकर मुझे तंदूर में ढकेला है। निकी कितना भरोसा किया था मैंने तुम पर, लेकिन तुमने तुमने मेरे भरोसे का ये सिला दिया। सिला? जीजू मुझे सिलाई विलाई आती ही नहीं। मेरा मतलब था कि तुमने मेरे भरोसे की वाट लगा दी है। देखो सिला का मतलब मोशाय, अब तुम्हारा क्या होगा रे? बहुत दुख हो रहा है मुझे, बहुत दुख हो रहा है। इनका जेल जाना पक्का है ना? नहीं, दर्द से मेरी छाती फटी जा रही है, ये कह रहा हूं मैं। देखो रघु तुम डरो मत, वर्मा जी से जाके कह दो कि तुम्हें नौकरी नहीं करनी बस। अरे यार अग्रीमेंट के हिसाब से एक महीने का नोटिस दिए बगैर मैं नौकरी नहीं छोड़ सकता। निक्की आप वो टीटू को बोलो ना, अपने पिताजी से कहकर रघु साहब को नौकरी से निकाल दे। कोई फायदा नहीं जमना, टीटू अपने पापा से कभी बात नहीं करेगा। इस टीटू की तो लगता है अब सब कुछ राम भरोसे है, बस भगवान से इतनी प्रार्थना करो कि वो नकली सर्टिफिकेट वाली बात मिस्टर वर्मा को पता ना चले। रघु साहब तुम घबराओ नहीं, इस बार मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हे भगवान कुछ चमत्कार कर दे, इनका बेड़ा पार कर दे। भगवान इस बार इसको छोड़ना मत। यस सर, जी हाँ मैं उसे भेजता हूँ आपके पास। नहीं कमिश्नर साहब, मुझे पूरा विश्वास है कि कोई गड़बड़ जरूर है। जी हाँ धोखा हुआ है मेरे साथ,
हाँ हाँ, सजा तो होनी ही चाहिए, कम से कम 7 साल जेल जाना चाहिए। जी हाँ, थैंक यू, बाय। सर आपने मुझे बुलाया? तुम्हें अभी इसी वक्त पुलिस कमिश्नर के पास जाना पड़ेगा। क्यों? इस क्यों का जवाब वही तुम्हें देंगे। बहुत बड़ी चालबाजी हुई है मेरे साथ। सर देखिए, मैं आपको सब कुछ समझा सकता हूं। तुम्हें मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, वैसे तुम मुझे समझा भी नहीं सकते। सर देखिए ना, मेरी बात तो सुनिए सर। मुझे कुछ नहीं सुना। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। बेटे तू तो गया आज, और कर ले नौकरी, और कर ले। मैं तो कहता हूं भाग जा। हाँ पर भाग भी तो नहीं सकता हूं ना, भागने की ट्रेनिंग जो नहीं ली है। और ये पुलिस वाले पैदा होते ही ऑन मार्क्स गेट सेट गो होने के लिए तैयार रहते हैं। ए कौन है तू, और इधर काहे के लिए खड़ा? क्योंकि आसपास लेटने के लिए कोई जगह नहीं है ना। पुलिस से मजाक करता है? नहीं, चल भाग यहां से। ठीक है, मैं खुशी से भाग जाऊंगा, लेकिन अगर कमिश्नर अंकल ने मुझे पकड़ लिया ना, तो कह दूंगा कि आपने मुझे भागने के लिए कहा था। मतलब? मतलब ये कि मैं कमिश्नर साहब से मिलने आया हूं। आज मिलेगा? हाँ आज ही मिलूंगा। मरेगा बेटा, क्योंकि आज तो साहब का मूड सॉलिड ऑफ है। अच्छा, जब मिल ले, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाँ संभाल के, भगवान मेरी रक्षा कर। कौन हो तुम? जी मैं रघु शुक्ला, मैं बहुत ही नेक भोला भाला और सीधा साधा इंसान हूँ। बचपन से लेकर आज तक मैं शराफत की जिंदगी जीवा हूँ। बस तीसरी कक्षा में एक बार रिपोर्ट कार्ड पे अपने पिताजी की साइन ली थी सर, उसके अलावा ये जो डुप्लीकेट सर। खामोश, अपनी शराफत की कहानी हमको मत सुनाओ, कानून को अपना काम करने दो। सर आप एक काम कीजिए ना, छुट्टी ले लीजिए। काम करने की इतनी भी क्या जल्दी, 2-3 साल की छुट्टी ले लीजिए ना। ये ब्रेड पकड़ो। क्या बात है सर, आजकल कैदियों को जेल में डालने से पहले उनके खाने पीने का इंतजाम कर। खामोश 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 खामोश, ध्यान से सुनो। हाँ। वर्मा साहब से कहना उनका शक सही निकला। हाँ। ये ब्रेड वाकई में डुप्लीकेट है। मैं उस ब्रेड बनाने वाले को 7 साल के लिए जेल के अंदर डाल दूंगा। मतलब ये ब्रेड ब्रेड बनाने वाले को अंदर डाल देंगे? मुझे नहीं। तुम्हें क्यों? नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। हे भगवान, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कमिश्नर साहब, थैंक यू वेरी मच। आप महान है कमिश्नर साहब, आप इस दुनिया की शान है, आप पहलवान है। मस्का लगाना अपराधी की सही पहचान है। नहीं नहीं, चुप। नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं सर। पापा मैं चलती हूँ, बाय। सर मैं चलता हूँ। आई एम वेरी सॉरी। टीटू की फोटो आपके पास? की फोट। वाह बेटे रघु, लगता है तुम्हारी चोट पर लगाने के लिए परमानेंट पट्टी मिल गई है। यस जीजू, आप बच कैसे गए? वेरी सिंपल, कमिश्नर साहब के बेटी की किताब में टीटू का फोटो मिलने का क्या मतलब है? वेरी सिंपल, इसका मतलब टीटू और उस लड़की के बीच मोहब्बत की खिचड़ी पक रही है। ये बात मुझे पता है, लेकिन इसका क्या फायदा? इसका फायदा यह है कि इस मोहब्बत के खिचड़ी का फायदा मैं उठाऊंगा। कैसे? बस देखते जा रघु, द ग्रेट का कमाल। ये टीटू अभी तक आया नहीं, कब जाएगी इसकी लेट से आने की आदत? इंस्पेक्टर साहब, प्लीज प्लीज मेरे पति को छोड़ दीजिए, प्लीज। कभी नहीं, जिस आदमी ने सजा की है उसे अपराध तो मिलेगा ही। अब जिस आदमी ने अपराध किया है उसे सजा तो मिलेगी ही। मैं किसी को नहीं छोड़ता, मैं अपने हाथों से उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दूंगा। कुछ पैसे लेके छोड़ दीजिए, मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। दया रिश्वत ऐसी चीजें हमारी डिक्शनरी में नहीं लिखी है। चले जाओ यहाँ से, अब उसका बचना बहुत मुश्किल है, चले जाओ। हे भगवान। खाना खाने के लिए आ रहा हूं। क्यों
टीटू का वेट कर रही हो हा? जो जाली डिग्री बनाता है हा? आपको कैसे पता? सब पता है हमको, उसका बचना मुश्किल है, फांसी के तख्ते पर चढ़ाऊंगा। इतने से छोटे से काम के लिए आप उसे फांसी पर चढ़ाएंगे? ठीक है, छोटी सी फांसी पर चढ़ाऊंगा, लेकिन चढ़ाऊंगा जरूर। आप प्लीज प्लीज उसे माफ कर दीजिए। नहीं, इम्पॉसिबल। मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद वो कभी बुरे काम नहीं करेगा। और अब तक जो बुरे काम किए हैं उसने, उसका क्या? कोई तो रास्ता होगा ना? रास्ता? हाँ, एक रास्ता है, उसे किसी बेचारे मजबूर और लाचार आदमी की मदद करनी होगी, तभी मैं उसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन किसकी? किसकी? ऑप्शंस आर ऑस्ट्रेलिया में पिंटू, काठमांडू में चिंटू और लॉस एंजलिस में बंटू, और इंडिया में वर्मा साहब के पास काम करने वाला यंग डैशिंग एम्प्लॉय। इंडिया वाला ठीक है, लेकिन क्या करना होगा? उसे उसके नौकरी से बर्खास्त करवाना होगा, समझी? और ये क्यों और कैसे करना है ये तुम्हें सोचना है, तुम्हें सोचना है ये, ठीक है? अच्छा ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा। ओके, टीटू का भी हो जाएगा। थैंक यू। कहाँ है टीटू? अरे लेकिन तुम छुट्टी लेना क्यों चाहते हो? वो सब समझाने का मेरे पास टाइम नहीं है, आप छुट्टी दे दीजिए वरना गड़बड़ हो जाएगी। अरे लेकिन ऑफिस के रूल्स के मुताबिक। ऑफिस गया घास उगाने और ऑफिस के रूल्स गए उस घास को चरने। अरे आप मुझको छुट्टी जल्दी से दे दीजिए वरना। डैडी, डैडी बॉडी बोलने से कोई फायदा नहीं होने वाला। डैडी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सॉरी डैडी, पर अब मेरी आंखें खुल गई हैं। कैसे? मैंने अपनी आंखों में मोहब्बत के आई ड्रॉप्स डाल लिए हैं। अपने पुराने सारे काले धंधे छोड़कर मैं आपके साथ शराफत की जिंदगी बिताने आया हूँ। सच? हाँ। बेटे, डैडी। साइड, एक मिनट। बेटे, डैडी। थोड़ा साइड देना। बेटे, डैडी। रघु, तुम यहाँ पर कैसे? तुम जानते हो इसे? हाँ डैडी, इसे भी तो मैंने वो नकली डिग्री दी है। नहीं बेटे, डैडी। कंचन, कंचन चलो भागो। क्यों? हमारे कॉलोनी में रेसिंग कंपटीशन हो रहा है। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं जेल जा रहा हूँ। शी, इतने सालों के बाद घुमाने लेके जा रहे हो, वो भी जेल? हाँ, मैं नहीं आऊंगी। वाई शी सो फनी। अरे यार, हमारा पासा उल्टा पड़ चुका है, मैं फंस चुका हूँ, हमें भागना होगा वरना तुम्हारा पति 7 सालों तक जेल की हवा खाएगा। प्लीज। चलो, ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, पैक। चलो बताओ, बताओ किधर हो? साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ, साहब हमको नहीं मालूम है, रघु साहब यहाँ नहीं आए, और अगर आए भी है ना तो ऊपर नहीं गए। आप भागो, भागो कंचन, उल्टा भागो उल्टा। खबरदार खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली मार दूंगा। देखो, आप चीटिंग करेंगे अगर गोली मारेंगे, क्योंकि हम लोग कदम आगे नहीं बढ़ा रहे, पीछे बढ़ा रहे। शट अप, हाथ ऊपर, नीचे आओ। देखो देखो कमिश्नर साहब, मुझे गोली मत मारिए, मैंने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया? तुमने बहुत कुछ किया। अब मुझे पता चला वो नकली पुलिस वाले तुम थे, और वो नाटकबाज बीवी वो रही। तुमने मेरे बेटे को सुधारा है, चाहे धमकी देकर ही सही। हाँ, एक बाप को बेटे से मिलाया है, इसे सीधी राह दिखाई है, अब ये ऑफिस आने के लिए तैयार हो गया है। तुम्हारे बेटे को तो मैं छोड़ दूंगा साहब, इसका तो केस भी मैं दबा दूंगा। अरे वाह, लेकिन तुमको तो कमिश्नर साहब, यस, हम तुम्हें बांधना चाहते हैं, हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं हमारी कंपनी में। तुम्हारे सारे गुनाह माफ, और आज से तुम्हारी नौकरी भी पक्की, बिना किसी सैलरी के, बिना किसी अग्रीमेंट के। नहीं।